नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने किसी भी स्मार्ट वॉच में कॉलिंग के फीचर्स को इनेबल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर आपके पास भी एक स्मार्ट वॉच है किसी भी कंपनी है किसी भी मॉडल का, तो कैसे आप उसमें कॉलिंग के फीचर्स को इनेबल करोगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपनी स्मार्ट वॉच में यहाँ पर कॉलिंग वाले फीचर्स में जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा ये कॉलिंग का फीचर इस वॉच में, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पे आपको जाना है फ़ोन कॉल वाले ऑप्शन में। और यहाँ पे सबसे पहले आपको टर्न ऑन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है और जैसे ही आप टर्न ऑन करते होगे तो यहाँ पर आपके सामने स्पीकर का इंटरफेस आ जाता है, जैसे देख सकते हो प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर पैरिंग। तो अब आपको पैरिंग करना होगा अपने मोबाइल से, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो आपको अपना फ़ोन लेना है, यहाँ पर मैं अपना फ़ोन ले लेता हूँ और आपको ओपन करना है, देख सकते हो यहाँ पर जाना है ब्लूटूथ, ठीक ये है, इसको आपको होल्ड करना है कुछ इस तरीके से ब्लूटूथ को, और यहाँ पर ब्लूटूथ को ओपन करना है यहाँ पे। और इस तरीके से आप जैसे ही ओपन करोगे ब्लूटूथ को अपने, तो यहाँ पे आपको स्कैन करना है और जैसे ही आप स्कैन करोगे तो अब यहाँ पर आपके सामने देखना इंटरफेस दिखाई देगा, देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको IDO जो FB करके आएगा, ठीक है, आपकी वॉच का मॉडल नंबर होगा जो भी आपकी स्मार्ट वॉच है, तो इसको कनेक्ट करना है। अभी मैं कॉल भी करके आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पर वीडियो को फुल देखते रहना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो IDO FB पे जैसे आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोन रख देता हूँ, देखते हैं कि हमारी वॉच यहाँ पर कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो अब यहाँ पर अगर मैं फ़ोन कॉल वाले ऑप्शन में जाता हूँ तभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो आप रीसेंट डायल पैड और ये सारे जो ऑप्शन जो है वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ डायल पैड, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे आपकी कॉल लग चुका है। और अगर आपको ये जो नंबर से अपने मोबाइल पे सेंड करनी तो यहाँ पर इसको कर देना सेंड, अब आपकी जो कॉल है आपके फ़ोन पर चली जाए।